समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव का लंबी बीमारी के बाद सोमवार को निधन हो गया। उन्होंने 82 साल की उम्र में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली। आज राजकीय सम्मान के साथ नेताजी का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव सैफई में किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत तमाम हस्तियों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। कल उनके पार्थिव शरीर का दर्शन करने के लिए सपा के वरिष्ठ नेता और राष्ट्र महासचिव आजम खान भी पहुंचे। उनके साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी मौजूद थे। आजम खान के पहुंचते ही मुलायम सिंह का पूरा परिवार भावुक हो गया। आजम खान खुद लंबे समय से बीमार चल रहे थे, लेकिन नेताजी के साथ उनका गहरा लगाव था। मुलायम सिंह के निधन के बाद आजम खान सर गंगाराम अस्पताल से अपने घर रामपुर पहुंचे। इसके बाद सैफई के लिए रवाना हो गए। उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की। इस दौरान अखिलेश यादव उन्हें सहारा देते नजर आए।